अच्छा, ये प्रेस ब्रीफ एक बच्ची है 16 साल की, गिन्नी विश्वकर्मा। उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई थी। 26 तारीख को उनका बॉडी मिला था हमको न्यू माल GRPS एरिया में, नियर उदलावाड़ी रेलवे स्टेशन। ऑन द रेलवे ट्रैक बुरी तरह जख्मी था और म्यूटिलेटेड था। तो उस बेसिस पे जिस तरीके से पुलिस अननेचुरल डेथ केस करती है, UD केस हुआ था। 28 तारीख को उनके परिवार ने आके एक कंप्लेंट दी कि एक बाय नेम एक्यूज, जिसका नाम है गोपाल राय, कि उसको जिम्मेदार उन्होंने ठहराया कि वो उसकी वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड किया है शायद, ऐसे लिख के। तो हमने उनकी कंप्लेंट पे केस स्टार्ट किया। केस स्टार्ट करने के बाद 30 तारीख को हमने वो जो बाय नेम एक्यूज जो कंप्लेंट में लिखा था उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में लिया 3 दिन के लिए और क्वेश्चनिंग करी कि क्या फैक्ट्स हैं केस के। अभी प्रेजेंटली वो अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है और आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिया ऑटोप्सी सर्जन ने वो भी हमको मिला है, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि इट इज़ एक्सीडेंटल इन नेचर, रन ओवर बाय ट्रेन। तो ये फैक्ट्स हैं केस के। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इस मैटर को लेकर थोड़ा सा हमारे लोगों में कन्फ्यूजन है, या हो सकता है रूमर्स कोई जानबूझ के फैला रहा है कि कोई अरेस्ट नहीं हुआ इस केस में और पुलिस ने कुछ ढंग से छानबीन नहीं किया। छानबीन हुई है, अरेस्ट विद इन यू कैन से 24 आवर्स अरेस्ट भी हो चुका है। और आगे हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और कस्टडी ट्रायल इसका हम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि ये नेचुरल टाइप की डेथ लग रहा है, नहीं, मगर नेचुरल नहीं है, अननेचुरल डेथ। तभी मैं कह रहा हूँ UD केस हुआ है, अननेचुरल डेथ। तो लड़की या तो खुद सुसाइड की है या हो सकता है वो क्रॉस कर रही हो, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। सर एक एक्यूज का भी नाम आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या एलिगेशन है एक्यूज का? ये जो एक्यूज्ड है इसका और जो डिसीज्ड है, इन दोनों का कुछ लव अफेयर था, भालो भाषा था। तो उसी के चलते हो सकता है कुछ इनमें आपस में अनबन हुई हो। इस चीज़ को हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये दिस इज द एलिगेशन अगेंस्ट अक्यूज्ड। बट सर ये जो बॉडी जहाँ पे मिला, बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, तो हाउ कैन यू से कि दिस इज अननेचुरल डेथ एंड शी वाज ट्राइंग टू नहीं, ये आपके फैक्ट्स थोड़े आप गलत बता रहे हैं। बॉडी के ऊपर कपड़े थे, कुछ कपड़े फट चुके थे क्योंकि ट्रेन जब ऊपर से निकलती है, इतनी भारी ट्रेन, 125 टन का इंजन होता है, तो कुछ कपड़े फट गए थे बट कुछ कपड़े इंटैक्ट थे। ऑब्वियसली जो इमेजेस बहुत ज़्यादा ग्राफिक और डिस्टर्बिंग हैं और उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि ये पिक्चर्स पब्लिक में आए, तो ये लोग पिक्चर्स हम नहीं शेयर कर सकते आपके साथ, बट कपड़े थे। हुआ या एक्सीडेंट हुआ? नहीं, अक्यूज उस टाइम प्लेस ऑफ अकरेंस पे नहीं था, बट उससे पहले जो 25 तारीख को ये बेसिकली एक शादी के फंक्शन पे आई थी लड़की, तो शादी के फंक्शन पे उनकी उससे मुलाकात भी हुई थी और जान पहचाने तो बुलाया होगा मिलने। बट उसके बाद लड़की के वेयर अबाउट्स का जो उसके साथ भी थे उनकी सहेलियां, वो भी ढंग से नहीं बता पा रही हैं। वो हो सकता है उसके बाद वो खुद कहीं परेशान होके या मेंटली डिस्टर्ब्ड होके, इसीलिए हमने एबेटमेंट के चार्जेस लगाए हैं 305 के तहत। सर किसी प्रकार का रेप का कोई प्रूफ कुछ हासिल हुआ, जैसे कि लोगों का कहना था कि उसको पहले ये जो हमारे पास आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें जो ऑटोप्सी सर्जन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने लिखा है कि नो साइंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, तो ये चीज़ रूल आउट उन्होंने की है। तो जो हमको कंप्लेंट मिली है, जो PM रिपोर्ट है, उसी के बेसिस पे हमने सेक्शन लगाए हैं। दिलीप रॉय शायद नाम, गोपाल क्या राय, गोपाल रॉय, ये क्या प्राइम एक्यूज है? उसी का नाम कंप्लेंट में दिया है या और वही उसी के साथ उसका गोपाल लव राय था अफेयर या था, राहुल राय? गोपाल गोपाल राय। ठीक है, राय था। सर आप जैसा बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंट था, तो कोई अगर सुसाइड करेगा तो वो तो कपड़ा खोल के नहीं करेगा, और परिवार पक्ष का नहीं, जो आपको आरोप किसने है, कहा कि कपड़ा खोला हुआ परिवार है? पक्ष का आरोप है सर, जो कपड़ा बगल में रखा हुआ। और देखिए, आप आई थिंक सबके लिए अच्छा होगा कि थोड़ा सा फैक्ट्स चेक करके फिर बात कीजिए, ठीक है? अगर आपने फैक्ट्स आप गलत बोलेंगे तो फिर इट इज़ एलिगेशंस।
परिवार पक्ष का आरोप है सर। आप एक बार उसे चेक कर लीजिए, उनका आरोप नहीं है। ठीक है सर, मामला भी किस पे रेप चार्ज पे शुरू करें सर? ये रेप चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कंप्लेंट है उसमें रेप के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, समझते हैं आप? तो उसी जो फैक्ट्स हैं हम उसी पे प्रोसीड कर रहे हैं। सर, जो लड़की रेलवे ट्रैक पे मिली उसका मकसद पता चला क्यों गायब होगी वहाँ? अब यही इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। हो सकता है उनके आपस में वो मिले थे 25 तारीख को शाम को, उनमें क्या अनबन हुई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या रहती है इस कच्ची उम्र में, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज़ हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उस डिस्टरबेंस की वजह से उसने क्या सुसाइड किया, ये एक्सीडेंट हुआ है। गोपाल राज उसका एज कितना है? नहीं, 19 ईयर्स। लड़की 16 ईयर्स। थैंक यू।